हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम योर टीचर एंड फ्रेंड शशिपाल, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चे आज की इस ऑनलाइन क्लास में जुड़ चुके हैं। नियति, हिमांशी, पूर्णिमा, नेकज, ओजस, अनिरुद्ध, भैरवी, शिवन्या, अंशिका। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है आप सभी की डिमांड पे है, एरिया एंड पैरामीटर, क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, आज इसको हम दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिफ्थ क्लास से स्टार्ट हो जाता है, फोर्थ क्लास से, और टिल द एंड चलता है, और हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और मेरा दावा है कि आज इस क्लास के बाद आप इस टॉपिक में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चले तो पहले समझते हैं तीन तरह की शेप्स के बारे में, रेक्टेंगल, आयत, राइट एंगल और स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल किस तरह की शेप होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आयत। जैसी आपकी नॉर्मल आपके पास नोटबुक होती है, बुक होती है, आपका टेबल है, आपके घर का छत है, फर्श है, या आपके घर की वॉल है। ठीक है, क्या होता है इसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। ठीक है, और क्या होता है, ठीक है, इसके बाद जो आता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका भी परिमाप और क्षेत्रफल हम करेंगे। ठीक है, ये क्या है, इसी शेप को जब हम इस तरह से अगर हम बीच में एक लाइन खींच दें तो क्या बन जाती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। ठीक है, तो इसका भी परिमाप और क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे वो भी हम सीखेंगे, क्या होगा। ठीक है, उसके बाद है वर्ग। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, अब आपके घर में स्क्वायर साइज की कौन कौन सी शेप्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट कि मुझे पता चल सके कि आपको कितना आता है। ठीक है, तो इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। ओके, तो बेटा ऐसा है कि रेक्टेंगल से हम पहले समझते हैं। देखो, मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल इस तरह की है, इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह की एक रेक्टेंगल है, जिस तरह से आप एक बुक देख सकते हैं। ठीक है, बुक में क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी। ठीक है, अब जब हमें इसका परिमाप बोला जाएगा निकालने के लिए, परिमाप क्या है, ये बाहरी घेरा। अगर आप एनसीईआरटी सिलेबस से 5वीं में पढ़ रहे हैं तो आपने घेरा वहां पे या पेरीमीटर टर्म पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम बाहरी साइड्स की लंबाई को नापते हैं। ठीक है, और एरिया क्या होता है, ठीक है, तो जैसे इस शेप में अगर हम देखें तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, देखिए ये बाहर की लंबाई है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो इसका पेरीमीटर या घेरे की लंबाई क्या है, 22 है। ठीक है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी है, क्या है, 2 और ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं 2l+b। तो इस तरह से भी हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या है, यहाँ लेंथ कितनी है, 6 है, और ब्रेड्थ है 5। तो हमारे पास ये आ गया 2 × 11, जिसका मतलब है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल से सीखेंगे। उसके बाद है एरिया। एरिया एक ऐसा टॉपिक है बेटा, बड़े बड़े लोग हैं, आपके घर में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने बड़ी बड़ी पढ़ाइयां कर ली हैं, लेकिन जब आपके घर में कोई मिस्त्री आता है, कारपेंटर आता है, पेंटर आता है, या टाइल लगाने वाला आता है, तो वो बोलता है कि सर मैं आपके घर में टाइल्स लगाने का खर्चा किस तरह से लूंगा, 25 रुपए स्क्वायर फुट लूंगा, या पेंट करने का खर्चा इस हिसाब से लूंगा। ठीक है, अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी, लेकिन मुझे इस कंसेप्ट के बारे में पता नहीं था, और अच्छी तरह से मैथमेटिक्स को पढ़ते हुए, क्योंकि हमें कंसेप्ट बताया ही नहीं गया, हमें सिर्फ फॉर्मूला बताया गया कि आप इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा क्या है, 6 सेंटीमीटर लंबाई है और चौड़ाई है। ठीक है, अब इस एरिया में 1/1 सेंटीमीटर के स्क्वायर कितने बनेंगे, वही आपका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, 1/1 सेंटीमीटर लंबा ये, 1 सेंटीमीटर चौड़ा ये। ठीक है, तो देखो हर एक लाइन में 1/1 सेंटीमीटर के, अगर 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन है तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 स्क्वायर बन रहे हैं, 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 और 6 5 30। तो इस तरह के 30 स्क्वायर्स बनेंगे। अगर इसको हम इस तरह से मान लें कि आपके घर में टाइल्स लगानी है, तो आपको ये लंबाई दी है, ये चौड़ाई दी है, तो कितनी टाइलें लगेंगी, 1/1 स्क्वायर सेंटीमीटर की। ठीक है, ये मीटर की भी हो सकती है या फीट की भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको अगर लंबाई और चौड़ाई पता है तो आप सिंपली बता सकते हैं कि इतनी टाइलें लगेगी। ओके, तो देखिए कितना आसान हो जाता है अगर आपको मैथमेटिक्स के कंसेप्ट अच्छी तरह से आते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इसका एरिया क्या है, 6 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर, जो हो जाता है 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, और इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से हो सकता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा और आपको जो आपने अभी तक सीखा है उसको आपको अप्लाई करने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आप इनको अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ये काम आने वाले हैं। ठीक है, ये दो हम सीख चुके हैं आयत के। ओके, लंबाई है तो कैसे निकालेंगे, चौड़ाई कैसे निकालनी है, वो भी हम क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे। ओके, चलिए ये समकोण त्रिभुज के कुछ फॉर्मूलाज हैं, वर्ग के फॉर्मूलाज हैं, तो इनको भी आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूलाज ही आपको फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ओके, अब चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन पिक्चर। परिमाप अब आपने समझ लिया है, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर है बाहर का घेरा। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है परिमाप, भूलने की बात नहीं है। देखिए हमने अभी तक आयत और वर्ग के बारे में ही है, लेकिन शेप आपको कैसी भी दी गई है, अगर उसका पेरीमीटर बोला है तो आप सिंपली क्या करेंगे बेटा, बाहर की जो लाइंस हैं देखो इनको ऐड करेंगे और वही आपका परिमाप होगा। देखिए 8 8 8 16 16 7 23 30 और 8 38 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो किस तरह की भी पिक्चर हो, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको सिंपली बाहर की जो साइड्स हैं उसकी लंबाई को काउंट करना है, वही आपका पेरीमीटर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि मैंने तो 5 लाइंस वाली शेप का सीखा ही नहीं है या 8 लाइंस वाली शेप का मैंने सीखा ही नहीं है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं, आपने सिर्फ घेरे की लंबाई को नापना है। ठीक है, अब चलते हैं, एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है। ठीक है, तो देखिए आपके पास सिंपली अभी हमने क्या किया, आयत का परिमाप पेरीमीटर निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, आप सिंपली क्या करिए, 8 और 6 14 को 2 से गुणा कर देंगे, 14 × 2 = 28 सेंटीमीटर आपका परिमाप आना चाहिए। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है जेएनवी में, है ना, कई बार आपसे इतने आसान क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल के लिए आपने फॉर्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 5 है और 1 है, तो भाई 5 गुणा 1 क्या आ गया, 5 गुणा 1 5 ही होता है, 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास तो आंसर 2 है। ठीक है, अब देखिए अगर आपने गौर से देखा होगा जब मैं बता रहा था, तो मैंने क्या कहा था कि क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में लिखते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल में हमारे पास क्या बनते हैं, स्क्वायर्स बनते हैं ना बराबर, तो इसको जो है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाता है। तो सी हमारा सही आंसर होगा। क्षेत्रफल जब भी लिखा जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस चित्र में दिए गए पिक्चर में क्षेत्रफल निकालिए। दो चीजें हैं, ठीक है, दो पिक्चर्स हैं, ठीक है। क्या है, एक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, एक की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, दूसरी की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो भाई करना क्या है, देखो पहली पिक्चर का क्षेत्रफल, पहली आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 5 गुणा 1 और दूसरी का क्या हो जाएगा 5 गुणा 1, ठीक है। और क्या हो गया 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 और 5 10, ठीक है। लेकिन अगर बेटा आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, ये जो है एक कॉमन भी है ना, और उस जो कॉमन दोनों में है क्योंकि, तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो कॉमन जो एरिया है वो कितना है, उसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है, तो उसको आप माइनस करेंगे। और ये मैथ ओलंपियाड 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो 5 और 5 10, 10 माइनस 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी क्या आएगी, क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। तो देखिए देखने में बहुत आसान है क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने एक छोटी सी चीज का ध्यान नहीं रखा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बी इज द आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम क्लास के एंड में जो है उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी कमेंट्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, दिए गए चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या है, आपको इस तरह की एक पिक्चर दी गई है, अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो अगर आपने कंसेप्ट को नहीं समझा है तो आप दिक्कत में आएंगे। तो देखो बेटा, इसमें क्या है, इसमें दो रेक्टेंगल्स हैं जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा। तो देखो जो हमारे पास ये फर्स्ट रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या निकालेंगे, 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरी जो आयत है उसका क्षेत्रफल अलग से निकलेगा, 22 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। अब आप दोनों को जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेकेंड जो आपकी है इसका क्या आ जाएगा, 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 आ जाएगा, और 22 दुना 44, 220 प्लस 44 कितना आ जाएगा, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, अब देखिए इसको ऐड कर दीजिए, 6 5 11, 1s को 1 1 से, 10s को 10 10 से, और ये 2 + 1 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 414 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए फॉर्मूला आपने सीख लिया है, अब मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप खुद कमेंट सेक्शन में आंसर दें, ठीक है। लंबाई 8 है, चौड़ाई 5 है। Let's see who is the fastest finger. Yes, Kagan, Gaveshi, Arunima. Well done, my dear. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो 40 square centimeters the right answer. 8 × 5 40। कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं, आपको करना गया। और जेएनपी 2016 में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एक आयताकार, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भूमिखंड की लंबाई 50 मीटर है, उसका परिमाप इतना है, भूमिखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये थोड़ा सा है, द लेंथ ऑफ द ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 50 मीटर्स एंड इट्स पेरीमीटर इज 160 मीटर्स। द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ दैट पीस ऑफ लैंड इज, ठीक है, बताइए। तो देखिए अब बेटा देखो, परिमाप आपको दिया है, लंबाई आपको दी है, चौड़ाई आपको निकालनी है, ठीक है। फॉर्मूला आपने ध्यान दिया है, ठीक है। तो देखो पहले तो हमें लंबाई है, चौड़ाई निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? परिमाप डिवाइडेड बाय 2, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस लंबाई। मिक्स हो गया है हिंदी इंग्लिश, क्योंकि हमारे बच्चे दोनों भाषाओं में पढ़ते हैं। तो परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई, इससे हमारा चौड़ाई निकल जाएगी। अगर चौड़ाई दी होती, लंबाई निकालनी होती, तो यहाँ चौड़ाई माइनस हो जाती और लंबाई यहाँ आ जाती। तो परिमाप है 160 बटा 2 माइनस लंबाई है 50। तो ये आ गया 80 माइनस 50 बराबर है 30 मीटर। ठीक है, तो 30 मीटर आपकी आ गई चौड़ाई। ओके, तो अब बताइए कि लेंथ क्या होगी। लेंथ तो आपके पास ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है, 50 लेंथ है। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 50 गुणा 30 मल्टीप्लाई करो भाई, कौन बताएगा पहले? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। तो क्या आ गया? 1500 स्क्वायर मीटर। 5 दिए 15, 0 2 0 वैसे ही लग जाएंगी, तो 1500 स्क्वायर मीटर इज द आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कमरे की लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 18 मीटर। यदि एक लड़के को बैठने के लिए 75 वर्ग डेसीमीटर स्थान की आवश्यकता होती है, तो कमरे में कुल कितने लड़के बैठ सकते हैं? The length of the room is 20 meter by 18 meters. If 75 square decimeters of space is required for a boy to sit, how many boys can sit in the room in total? ठीक है, सैनिक स्कूल 2007 की प्रवेश परीक्षा में ये प्रश्न आया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए बेटा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास यहाँ पे दो चीजें हैं, ये एरिया दिया हुआ है आपको, जो बड़ी, जैसे मान लो आपके घर का रूम है ना, उसमें ये उसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये एक टाइल का क्षेत्रफल आपको दिया है कि कितनी टाइलें लगेंगी। अब देखो, पहला आपको यहाँ पे डेसीमीटर का पता होना चाहिए। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। डेसीमीटर का मतलब ही 10वां हिस्सा होता है। ठीक है, तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो बड़ा आपके पास एरिया है, अगर रूम है तो रूम का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। तो देखो, चलिए पहले इसको, हमें डेसीमीटर को तो मीटर बदलने में दिक्कत होगी, लेकिन मीटर को हम डेसीमीटर में बदल सकते हैं। तो 20 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 20 मीटर में कितने होंगे? ठीक है, और 18 मीटर में कितने होंगे? 180 डेसीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। और जो ये है, ये बालक को बैठने के लिए कितनी जगह चाहिए, ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए, 25 दिया 75 और ये आ जाएगा 25 अठा 200। ठीक है, 3 के टेबल में 180 आता है, 3 6 18 300। ठीक है, तो ये बच गया ऊपर 8 गुणा 60, तो 8 6 कितना होता है? 8 6 48, 0 की 0 मीन्स 480 बच्चे बैठ पाएंगे। तो देखिए, ये है मैथमेटिक्स का कमाल। अगर आपको आता है तो आप एक आदमी, आप बता सकते हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, आपके स्कूल का है। ठीक है, आप चुटकियों में बता देंगे कि सर इसमें इतनी टाइलें लगेंगी। तो यही तो इंजीनियर्स का काम है। अगर आपको ये चीज आती है तभी तो आप फ्यूचर के इंजीनियर्स बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल इस प्लाट का 1/8 भाग घेरता है। प्लाट की लंबाई बताइए कितनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझिए, क्या है? एक आयताकार क्या है? प्लॉट है। ठीक है, और क्या है? उसकी लंबाई जो है, ठीक है, चौड़ाई की 2 गुनी है। अगर लंबाई x है, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 2x है, मतलब अगर चौड़ाई 2 है तो लंबाई 4 है, चौड़ाई 10 है तो लंबाई 20 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल, इसका 1/8 पार्ट है। ठीक है, तरणताल आप पॉन्ड मान लीजिए, ठीक है, स्विमिंग पूल मान लीजिए, ठीक है, क्या है वो, इसका कितना पार्ट है, अगर हम इसको इस तरह से ये डिवाइड कर लें तो ये इक्वल है, मैंने यहाँ छोटा बड़ा कर दिया है, आप इसको इक्वल समझे ना, इतनी कृपा करें मेरे ऊपर, है ना। तो वो जो स्विमिंग पूल है उसकी लंबाई इतनी है, ठीक है, ओके। तो प्लाट की लंबाई और इसका जो क्या है, इसका जो लंबाई चौड़ाई है कितनी है, 8/8 है। तो देखिए अब आपको इसका क्षेत्रफल पता लग गया और आपको बोला है कि इस तरह के 8 उस ग्राउंड उस प्लॉट में बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो गया, 64 हो गया, पता है ना आपको, ये क्या है, साइड इंटू साइड होता है, भुजा गुणा भुजा आपका वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो ऐसे 8 बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका 64 हो गया, तो 8 ऐसे 8 स्विमिंग पूल्स का क्षेत्रफल कितना होगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 8 × 4 = 32, 8 × 6 = 48, 48 + 3 = 51 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, जैसा भी आपको सही लगता है। अब क्या है, अब आपको 512 को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, कि चौड़ाई जो है, लंबाई जो है चौड़ाई की डबल हो। तो कोई तरीका है आपके पास, इसका एक तरीका है बेटा, आप इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इसके फैक्टर्स बना लो। ठीक है, फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या होगा, 2 से करके देखते हैं, 2, 5, 6, ठीक है, ये बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, 128। हम क्या करते थे जब बचपन में होते थे तो हम एक दूसरे को पूछते थे कि 2 + 2 कितना होगा, तो वो बदलता था कि 4। ठीक है, 4 + 4 क्या होगा, 8, 8 + 8 16, 16 + 16, तो इस तरह से, ओके, ये 8 वाला मैंने यहाँ पे ये कर लिया। ठीक है, तो देखो कितने बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 9 का मतलब है अगर हम 4 को एक तरफ ले लें और 5 को एक तरफ ले लें तो उसका डबल हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, ये क्या आएगा, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी लंबाई 16 है, इसकी 32 है, और आपसे लंबाई पूछी गई है तो क्या आएगा, 32 मीटर्स। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लें, मुझे लगता है आपको इसको क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, क्या बोला है, एक आयताकार प्लॉट है, उसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, मतलब इसकी अगर x चौड़ाई है तो लंबाई है 2x। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल जो है स्विमिंग पूल है, जो इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है, मतलब ऐसे 1/8 का मतलब क्या है, 1 अगर 1/8 है तो पूरा प्लॉट कितना है, 8 स्विमिंग पूल्स के बराबर है। ठीक है, और आपको उसकी लंबाई चौड़ाई दी है, क्या है, स्क्वायर है, तो 8, 8 है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो एक स्विमिंग पूल का एरिया आ गया। अब ऐसे 8 इसमें बनाए जा सकते हैं, तो मतलब 8 स्विमिंग पूल्स का एरिया क्या आएगा, 64 × 8 मतलब 512 स्क्वायर मीटर। अब 512 को आपको इस तरह के पार्ट्स में डिवाइड करना है कि उन दोनों संख्याओं को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक दूसरे की 2 गुनी है। तो इसका सबसे अच्छा मेथड है कि आप इसके फैक्टर्स कर लें। जब हमने फैक्टर्स बनाए तो आपने क्या देखा कि 512 क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार आ गया, इस तरह से 9 बार अगर हम 2 को गुणा करें तो हमारे पास ये आता है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो पांच बार दो को मल्टीप्लाई करेंगे और चार बार दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक संख्या जो है दूसरे की दोगुनी होगी। ठीक है, बस इतना सा आपको करना था और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर बोला जाता कि चार गुना होनी चाहिए, अगर ये है तो ये 4x है, तो हम क्या करते, तो ये हम ले लेते 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये हो जाता कितना, 8 गुना हो जाता। ठीक है, तो 64 गुना 8 भी हो सकता था। ठीक है, अगर ये इस तरह से बोला जाता कि लंबाई जो है चौड़ाई की 8 गुना है। ठीक है, तो इसको आप बांट सकते हैं। इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बेहतर कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ डायमेंशन 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम ऑफ लेंथ 12 मीटर इंटू 10 मीटर। ठीक है, जेएनवी 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई है 12 मीटर और 10 मीटर और उसको पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की टाइलों की जरूरत पड़ेगी, वो क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो बेटा देखो, इसमें ध्यान रखने की बात क्या है, ये जो आपके पास ये है, ये सेंटीमीटर में दिया है और ये क्या है, ये मीटर में दिया है। कमरा जो है आपका, रूम जो है, ठीक है। तो अब देखो, बड़ी चीज को छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें मैंने आपको सिंपली बताया है कि जो बड़ा एरिया है उसका एरिया ऊपर लिखिए। ठीक है, एरिया ऑफ बिग शेप बोल लीजिए डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉलर शेप। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 12 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा भाई, बताइए मुझे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में कितने हो जाएंगे 1200 सेंटीमीटर और 10 मीटर में कितने हो जाएंगे 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नीचे आपका सेंटीमीटर में ही है, तो उसको इस तरह से लिख लीजिए। अब देखिए क्या हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, 10 को अगर हम 100 तक करें या इसकी 1 जीरो भी काट लें तब भी हमारे पास 100 बच जाता है। तो देखो ये है 200 और हमने कंडीशंस ऑफ डिविजिबिलिटी में पढ़ा है कि लास्ट के अगर ये जो 3 अंक हैं अगर ये 8 से भाग हो जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है 8 एकम 8, 8 पंचे 40 और 0, तो ये क्या हो गया हमारे पास 150 गुणा 100। 150 गुणा 100 मतलब कितना आ जाएगा 15000 आ जाएगा। कितनी टाइलें चाहिए 15000, बस इतना सही करना है आपको और आप इंजीनियर बन गए। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई है चौड़ाई है इतनी, उसके चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, आपको क्या पूछा है, आपको ये नहीं पूछा है कि उसका क्षेत्रफल कितना है, आपको ये नहीं बोला है कि परिमाप निकालिए, आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि भाई ये है एक भूखंड, इसकी लंबाई इतनी है चौड़ाई इतनी है, इसके चारों ओर बोला है ना, चारों ओर तार लगाने का जो खर्च है वो कितना आएगा। ठीक है, तो मतलब हमें क्या बोला गया है, परिमाप निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, परिमाप अगर हम निकालेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। और क्या बोला है 3 बार, 1 बार नहीं लगानी है। ठीक है, बाड़ लगानी है, कांटा तार होती है ना, उसको 1 बार नहीं लगाना है, 3 बार लगाना है। तो मतलब परिमाप निकालेंगे और उसको 3 से गुणा कर देंगे। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, तो लंबाई है 100 मीटर, चौड़ाई है 80 मीटर। ठीक है, तो 2 गुणा 180 कितना हो गया 360 मीटर, इसका परिमाप हो गया। ठीक है, मतलब अगर 1 बार तार लगानी हो तो 360 मीटर चाहिए। अब 3 बार अगर लगानी हो, ठीक है 3 बार बाड़ लगाना है हमें। ठीक है, तो कितना चाहिए 360 गुणा 3 300 और 36 3 108। तो मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द आंसर। 108 मीटर लंबी तार चाहिए अगर हमें बाड़ लगाना हो 3 बार। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है और चौड़ाई 25 मीटर है। ठीक है, अब आपने अगर फॉर्मूलाज ध्यान से देखे हैं तो फॉर्मूला क्या है बेटा? अगर आपको क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई दी है, तो सिंपल सा है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। अगर लंबाई दी गई होती तो चौड़ाई निकालनी हो तो क्षेत्रफल बटा लंबाई आ जाएगी। तो देखिए क्या है, क्षेत्रफल 700 मीटर है और चौड़ाई है 25। ठीक है, तो 25 × 50 2 आ जाएगा और 25 × 8 = 200। तो 28 मीटर आ गई लंबाई। ठीक है, लेकिन हमें क्या बोला है? हमें बोला है कि भाई वो सेंटीमीटर में चाहिए, है ना, मीटर में नहीं चाहिए। तो 28 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आपने लास्ट क्वेश्चन में किया है, शाबाश, बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 28 × 100 कर देंगे तो जो आ जाएगा आपका 2800 सेंटीमीटर। सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक आयताकार पार्क की बीमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई इतनी है। 2 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों ओर बनाया गया है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो बेटा अगर आप इस क्वेश्चन तक आ गए हैं, ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं और मेरा उद्देश्य है कि इस टॉपिक के ऊपर आपको कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको करके आए। मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट कभी जीवन में फेल हो। ठीक है, मैं टॉपिक करवाऊं और वो उस क्वेश्चन को ना कर पाए, इसलिए मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन ले रहा हूं जो पिछले 25 सालों में आए हैं। ठीक है, आपका टॉपिक मुझे कंप्लीट चाहिए। चलिए क्या है, देखो बेटा क्या बोला है, इस तरह का एक पार्क है। ठीक है, 100 मीटर उसकी लंबाई है, 60 मीटर चौड़ाई है। 1 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों ओर, 2 मीटर चौड़ा पथ मतलब एक रास्ता बनाया गया है। कितना? 2 मीटर चौड़ा चारों तरफ इस तरह से। ठीक है, मेरी लाइनें सीधी नहीं है, आप सीधी लगा सकते हैं। ठीक है, तो उस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और ये रिसेंटली पूछा गया है जेएनवी 2015 में, है ना। तो देखो आपको क्या करना है बेटा, 100 मीटर तो पार्क की लंबाई है। ठीक है, अब देखो 2 मीटर इधर जुड़ गई, 2 मीटर उधर जुड़ गई। ठीक है, तो इसका मतलब है अब पार्क की लंबाई क्या होगी? 104 मीटर। और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, 2 मीटर यहाँ, 2 मीटर यहाँ, तो अब पार्क की चौड़ाई होगी 64 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या बोला है? हमें बोला है इस एरिया का, ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे? बहुत आसान सा तरीका है। क्या करना है, जो बड़ा रेक्टेंगल है उसका एरिया, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। ठीक है, तो देखो बड़े रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया? इसकी लंबाई हो गई 104 मीटर और चौड़ाई हो गई 64 मीटर, माइनस छोटे का क्या है, 100 × 60। अब आपके ऊपर है, आप इसको मल्टीप्लाई करें। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताइए कि 104 × 64 कितना होगा? नहीं आ रहा है तो सिंपली हम यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आ जाएगा? 4 × 4 = 16, 4 × 0 = 1 आ जाएगा, 4 × 1 = 4। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास 6, 5, 6 सिक्स, ठीक है। तो ये आ गया 6656 माइनस ये आ गया आपके पास 6000, ठीक है। तो अब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और आपके पास बच गया, मीटर में है तो 656 स्क्वायर मीटर आपका एरिया आ जाएगा, किसका, इस रास्ते का, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और आपको आना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 100 मीटर है, पार्क का परिमाप ज्ञात कीजिए। द साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 100 मीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पार्क। तो आपको पता है कि परिमाप निकालने के लिए क्या सूत्र है, क्या है, 4 गुणा भुजा, ठीक है। 4 गुणा भुजा मतलब 4 गुणा 100, तो सिंपल है, बी इज द आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो इसका परिमाप कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास फॉर्मूला हो, आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है। हम एक सिंपल एक छोटा सा ले लेते हैं, ठीक है। वर्ग है 2 बाई 2 का है, ठीक है। अब इसका क्या किया जाए, इसका इसकी साइड्स की जो है, सॉरी, क्या कर दी जाए, लंबाई डबल कर दी जाए। इसकी भी 4 कर दी, इसकी भी 4 कर दी, तो इसका परिमाप क्या है, इसका परिमाप क्या है, 4 गुणा 2 8, और इसका क्या हो जाएगा, 4 गुणा 4 क्या हो जाएगा, 16। तो कितना हो जाएगा, अगर प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी जाए तो परिमाप भी 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ ही हम क्षेत्रफल भी देख लेते हैं। अगर वर्ग की भुजा जो है डबल कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 2 बाई 2 है तो इसका क्षेत्रफल होगा 4 और 4 बाई 4 16, मतलब अगर वर्ग की भुजा डबल कर दी जाए, 2 गुना कर दी जाए, तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा भैया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो कॉमन सेंस यूज करो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सैनिक स्कूल 2011 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब करते हैं आगे। 100 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बनता है, इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बनता है, ठीक है। तो देखो बेटा, ये तार है, इसको फोल्ड किया, ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। आयत है तो ये टोटल इसका परिमाप कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर है। आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है, ठीक है। तो मतलब लंबाई कितनी होगी, लंबाई कितनी हो सकती है, परिमाप आपने देखा है क्या है, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। तो मतलब लंबाई और चौड़ाई का जमा कितना होना चाहिए, अगर 100 परिमाप है तो मतलब लंबाई जमा चौड़ाई कितना है, 2 गुणा 50, मतलब लंबाई और चौड़ाई का जो जमा है वो 50 होना चाहिए, ठीक है। तो अब 50 को किस तरह से आप अलग अलग टुकड़ों में बांट सकते हैं कि उसकी आपका जो क्षेत्रफल है वो अधिकतम हो। तो बेटा इसका एक सिंपल सा आप ध्यान में रखिए क्या है कि हम अगर हाफ हाफ में बांटें तो ही उसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा, ठीक है। अगर देखिए 50 को 30 गुणा 20 में करें तो क्या आएगा, 600 आएगा। 40 और 10 में करें, ठीक है, मतलब लंबाई 40 है, 10 चौड़ाई है, ठीक है, तो क्या आएगा, 400, ठीक है। तो जब वो बराबर बराबर होगा, ठीक है, तो उसके आसपास ही अधिकतम क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो 25 गुणा 25 करेंगे, 625, तो इसका जो अधिकतम क्षेत्रफल हो सकता है वो 625 वर्ग सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है आपको सैनिक स्कूल 2012 की परीक्षा में। क्या बोला है, एक आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई है 80 मीटर, चौड़ाई है 60 मीटर, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता चलता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, क्या है, लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है, ठीक है। 80 मीटर है लंबाई और 60 मीटर है चौड़ाई, ठीक है। तो अब चारों ओर 2 मीटर लंबा रास्ता है, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो रास्ते की जो रास्ते के साथ जो है इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई होगी 84 मीटर और चौड़ाई कितनी होगी 64 मीटर, ठीक है। ये है अंदर वाले की, ठीक है, और ये है बाहर वाले की, ठीक है, दोनों तरफ ऐड हो जाएगी। अगर 5-5 मीटर चौड़ा रास्ता होता तो ये क्या हो जाता 90, 5 इधर 5 इधर 80 और 10 90 और ये हो जाता 70, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला भी बताया है, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, वही रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो बड़ा है 84 इंटू 64 माइनस 80 इंटू 60, ठीक है। तो 84 को 64 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 32 और 24 56 और 157 8 48 और 5 53, ठीक है। तो बड़ी आयत का क्षेत्रफल आ गया ये और छोटी का आ गया ये। तो इसको माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 576 और स्क्वायर मीटर में आ गया आपके पास इस रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्या है, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ये है, इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भाई आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है, तो अब हम इसको करते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है बेटा, लंबाई और चौड़ाई के बीच में अनुपात क्या है, मतलब अनुपात आपने चैप्टर कर लिया है। तो लंबाई क्या है 3x है, तो चौड़ाई कितना है 2x है, मतलब अगर हम x को यहाँ 4 मान लें तो अगर चौड़ाई 8 है तो लंबाई 12 है, ठीक है, मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको दिया है, क्या दिया है 726 वर्ग मीटर। अगर हम ये लंबाई और ये चौड़ाई को करते हुए करें तो आयत का क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए 3x गुणा 2x, और ये किसके बराबर होना चाहिए 726 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ये आ गया आपके पास 3 × 6 और ये आ गया x इंटू एक्स 726। तो ये 6 जो है ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 726 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड हो जाएगा, ये आपको पता है कंसेप्ट। 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 एकम 6, ठीक है। तो आपके पास आ गया 121 मीटर, ठीक है। तो अब देखो ये दो संख्याएं हैं बराबर हैं, जिनको गुणा करके क्या आना चाहिए 121 आना चाहिए। तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में कि कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं बराबर हैं जिनको गुणा करके 121 आता है। तो यस बता दीजिए, वेरी गुड। 11 मीटर है x की लंबाई, तो अगर 11 मीटर x है तो चौड़ाई कितनी है 11 × 22 मीटर और लंबाई कितनी है 11×3 = 33 मीटर। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो आएगा 33 मीटर, ठीक है। बेटा सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जेएनवी में तो शायद इस तरह का क्वेश्चन ना आए, लेकिन सैनिक स्कूल का स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर है, तो अगर आपको उस टेस्ट को क्लियर करना है तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और भी कोई भी एग्जाम आप कर रहे हैं तो भी इस तरह का क्वेश्चन आपको बार बार आएगा। एक वर्गाकार मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। वर्ग है तो उसका परिमाप निकालना है, क्षेत्रफल आपको दिया है। तो आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, फॉर्मूला क्या है साइड इंटू साइड। एक साइड है x हमने मान ली और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आया है मीटर स्क्वायर। अब देखो, मैं आपको बार बार कहता हूं कि हमें संख्याओं के वर्ग आने चाहिए, ठीक है। इसका टेबल आपके साथ ऑनलाइन क्लास में भी शेयर किया है, आपको हमारे ही चैनल पे शॉर्ट्स में भी ये मिल जाएगा। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 169 आता है, ठीक है। क्या है, कौन सी होगी? 13 into 13, तो मतलब x की वैल्यू क्या है, 13 मीटर है। तो अगर आपके पास x एक साइड आ गई तो परिमाप आप निकाल सकते हैं। क्या होता है, 4 into साइड, तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 चौके 52 आपका परिमाप आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10 मीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी एक मंजिल को बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी ईंटों की आवश्यकता कितनी की होगी, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा। देखो, ये सेंटीमीटर में दिया है, ईंटें हैं, है ना, तो ये है आपका मीटर में। तो जो बड़ी आयत है उसका क्षेत्रफल ऊपर कर लेंगे, मीटर को बदला 10 मीटर में होते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 में कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, और 8 मीटर में हो जाएंगे 800 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो छोटी आयत है उसका क्षेत्रफल नीचे भाग कर लीजिए, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर बड़ी आयत का क्षेत्रफल, नीचे छोटी आयत का क्षेत्रफल। अब इसको जो है आप भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, या आप इसको 80 * 800 भी होता है, ठीक है। 20 एकम 20, 20 चौके 80, ठीक है। तो ये बच गया 4 और ये बच गया 1000, तो 1 × 4000, 1000 × 4 मतलब 4000 हमारा सही आंसर आएगा, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन टेक्निक समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन चुटकियों में होंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आयताकार मैदान है, 75 मीटर लंबा है, 27 मीटर चौड़ा है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इस आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्गाकार मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, मैदान इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, और जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही एक वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो वर्गाकार मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, क्वेश्चन में जेएनवी 2012 में क्वेश्चन आया है। तो पहले हम क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा, 75 × 27, ठीक है। अब हमें यहाँ क्षेत्रफल चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए कि इसको हम, क्या इसकी कोई बराबर उस तरह से बन सकती हैं कि जैसे 50 × 50, तो ऐसा कुछ बन सकता है क्या इसका, देख लेते हैं। 75 को क्या लिख सकते हैं हम, इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। 75 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, उससे हमारे लिए इजी हो जाएगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको अंडर रूट निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 75 को हम 27 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 49, 5 × 2 = 10, 49 और 10 हो गया 59, और 3 = 62, 7 × 2 = 14 और 6 = 20, ठीक है। तो 2025 मीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ गया। अब अगर आपको याद हो तो ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। आपको शॉर्ट टेक्निक बताई है, ऐसी संख्याएं जिनमें एंड में 5 हो और आपके पास जो है ये बराबर हो, तो क्या हो जाता है, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, 3 यहाँ 25 और ये, और इससे आगे की संख्या 1225, तो 45 × 45 होता है 25, और ये आ गया 4 × 5 = 20, 2025। तो मतलब उस वर्ग की लंबाई क्या होगी, वर्ग की लंबाई हमारे पास यहां से आ जाती है 45 मीटर। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुणा 45, यही तो है फॉर्मूला, 45 गुणा 4 180 मीटर क्या आएगा, वर्ग का परिमाप आएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वर्गाकार बगीचा है, उसका एक पक्ष वन साइड क्या है 560 मीटर है, ठीक है। 10 मीटर के लिए 12 रुपए की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा, ठीक है। वर्गाकार है मतलब सभी साइड्स बराबर हैं, बाड़ लगानी है तो मतलब परिमाप निकालना है, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है वर्ग का, शाबाश, बताइए मुझे फॉर्मूला, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। 4 इंटू साइड, साइड कितनी है 560 मीटर, ठीक है। तो परिमाप क्या आएगा 400, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 और ये आपके पास आ जाएगा 2240 मीटर्स, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि भाई 10 मीटर में बाड़ लगाने का खर्चा 12 रुपए है, ठीक है। क्या बोला है 10 मीटर का खर्चा क्या है 12 रुपए, तो 1 मीटर का खर्चा कितना होगा 12/10 रुपए। तो ये जो है 2240 मीटर लंबी बाड़ लगाने के लिए कितना खर्चा होगा 2240 गुणा 12/10। तो अब देखिए 10 से 10 कट गई, ये बच गया 224 गुणा 12। तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 चौके 48, 12 दूना 24 और 4 28, 12 दूना 24 और 2 26। तो हमारा सही आंसर आना चाहिए 2688, ठीक है। वर्ग का परिमाप आपको निकालना है, ठीक है। 10 मीटर का खर्चा 12 रुपए है, 1 मीटर का खर्चा, ये 10 यहाँ पे गुणा हो रहा है, यहाँ पे भाग हो जाएगा 12/10, तो 2240 मीटर को लंबी बाड़ लगाने के लिए खर्चा क्या आएगा 2240 गुणा 12/10 और ये आपका आंसर आ गया ये, ठीक है। तो ए इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वर्गाकार मैदान का परिमाप है ये, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। परिमाप क्या है, परिमाप क्या होता है भाई 4 गुणा भुजा, तो ये है 36। तो भुजा की लंबाई क्या आएगी 36/4, 4 यहाँ पे गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा, ये आएगा 9 मीटर। तो अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, भुजा आपके पास आ गई 9 गुणा 9 81 स्क्वायर मीटर क्या होगा क्षेत्रफल होगा वर्ग का, ठीक है। एक आयत का परिमाप 60 मीटर है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भैया देखो क्या है, इस तरह का जब भी होगा तो मतलब क्या है, लेंथ है 7x और ब्रेथ है 3x, ठीक है। तो परिमाप क्या होगा, क्या होगा आयत का परिमाप क्या है 2 इंटू 7x प्लस 3x इज इक्वल टू 60 मीटर। 60 मीटर आपको दिया है, ठीक है। तो अब ले लीजिए इसको 7x प्लस 3x, ये कितना हो गया 10x हो गया, ये 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी तरफ भाग हो जाएगा, आपके पास आ गया 30। तो मतलब क्या है 7x प्लस 10x प्लस 3x, ये हो गया 10x, 10x इज इक्वल टू 30, यहाँ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो दूसरी तरफ जाके वो भाग हो जाएगा, तो ये आ गया 3, ठीक है। तो क्या है अब x 3 है, तो मतलब लंबाई कितनी है 7 इंटू 3 क्या आ जाएगा 21 और ये चौड़ाई कितनी है 3 इंटू x, तो मतलब चौड़ाई है 9। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, अब 21 गुणा 9 कितना होता है 20 ना 180, 21 ना 189 होना चाहिए, ठीक है, 21 ना 189 होना चाहिए। तो ये ए इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। एक वर्गाकार टाइल का एक पक्ष मतलब एक साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर है, 2.5 मीटर लंबी और 2 मीटर ऊंची दीवार के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बड़ी आयत दी है, मतलब दीवार दी है, उसका जो है उसको हम इसके अनुसार सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 2.5 मीटर किसके बराबर होता है, कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, 2.5 गुणा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया आपने, क्या आ जाएगा 250 यहाँ पे। ठीक है, अब 2500 आएगा, लेकिन 0.1 स्थान पहले है तो यहाँ पे भी लग जाएगा, तो मतलब 250 सेंटीमीटर। और ये 2 मीटर है तो मतलब 2 गुणा 100, 200 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, कितनी टाइलें लगेंगी, कितनी टाइलें लगेंगी, मतलब ऊपर जो है बड़ी आयत का क्षेत्रफल या बड़ा है, तो हमारे पास यहाँ आयत ही है, तो उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और नीचे जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 10 गुणा 10। ठीक है, तो अब सिंपल सा देखिए, 10 20 का 200 10 10 गुणा 20, तो 250 गुणा 2, मतलब कितनी टाइलें लगेंगी, 500 टाइलें लगेंगी उस दीवार के लिए इस साइज की। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो मैं समझता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।